हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, अब हम यहां से कैंची धाम से निकल रहे थे तो सोचा एक बार और बाबा के दर्शन कर ले। जितनी बार बाबा के दर्शन किए जाए उतना कम है। गाइस, मम्मी पापा रोहन भैया तो अंदर पहुंच चुके हैं मंदिर में, मैं अभी बाहर ही हूँ। यहाँ से आपको बाबा के लाइव दर्शन कराऊंगा, तब मैं अंदर जाऊँगा, दर्शन करके फिर मैं आगे चलूँगा। गाइस, क्लियर हुई है, बाबा जी के दर्शन कर लीजिए और बस अब यहाँ से चलेंगे। जय बाबा नीम। अभी मैं रोड से दर्शन करा रहा था आपको, अब मैं जल्दी से दर्शन करके आ जाता हूँ क्योंकि मम्मी पापा गए हुए, काफी टाइम हो गया मंदिर के अंदर। मैं अभी पहुंच जाता हूँ। अब गाइस, दर्शन हो गए हैं बाबा के अंदर और अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ। मैंने बुक्स ली है मंदिर की, ये है छोटी, ये बड़ी, ये उससे बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये गाइस तीन बुक ली हैं, ये अंदर से मिली, ये बाबा जी के प्रसाद स्वरूप में मिली हनुमान चालीसा, और ये दो बुक हमने खरीदी हैं तो जाके पढ़ेंगे इनके बारे में क्या है। और बाबा जी का ये प्रसाद मिला यहाँ से, अब सामने मंदिर है तो अब बाबा जी से अलविदा लेते हैं। जब चल रहे हैं यहाँ से आगे, अभी जाना है हमें रामगढ़। सामने ही जगह मिल गई थी हमें गाड़ी लगाने के लिए तो हमारी गाड़ी बिल्कुल गेट पे ही लग गई आज। अभी यहाँ शिकंजी पी लेते हैं, शिकंजी हो रही है तैयार, तब तक प्रसाद और ले लें बाबा जी का, यहाँ से प्रसाद लेके चलेंगे। भाई जब चल दिए यहाँ से, बोल कैंची धाम की जय, बोल नीम करौली बाबा की जय, जय हो बाबा की। गाइस, अब यहाँ से निकल चुके हैं हम कैंची धाम से, कैंची धाम की जय। अब आपको आगे के नज़ारे दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त नज़ारे। गाइस देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये कैंची धाम से हम भिवाली की तरफ जा रहे हैं, तब रास्ते में पड़ रहा है, देखो मोड़ क्या बेहतरीन वाला है भाई साहब, एकदम यू टर्न, बिल्कुल यू शेप में। देखो गाइस, रोन भैया कैसा व्यू लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा, मस्त मजा आ रहा पूरा। गाड़ी सिखा रहा पांडव, दादू को गाड़ी सिखा रहा गाइस, मुझे ट्रेंड कर दिया पांडव ने। स्कूटी तो दिलाई नहीं आपने दादू को? भाई साहब क्या गजब रास्ते हैं। गाइस बालों की भी बढ़िया फिटनेस हो रही है यहाँ पे, शीशे खोल के चला रहे हैं। हमने अपना एसी तो किया हुआ बंद क्योंकि जब नेचर में आए तो नेचर की ताजगी का एहसास करें। हवा बहुत प्यारी है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी बिल्कुल, एसी फेल किया हुआ है इस टाइम पे। रोहन भैया अपने सिलेंडर भर लो सारे ऑक्सीजन के, यहीं से फेफड़ों में स्टोर कर ले। गाइस देखो व्यू, देखो सामने का क्या बेहतरीन व्यू है भाई साहब। देखो स्लोप में पेड़ वेड़ एकदम मस्त, ये इधर का व्यू, ऊंचाई पे मकान है, मकान ऊपर खेती हो रही थी पीछे। गाइस अभी हम हैं भवाली में, ये भवाली आ चुका है तो यहाँ से रामगढ़ के लिए रास्ता जाएगा, तो अभी चल रहे हैं हम सीधा रामगढ़ और वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, फिर वहाँ से आगे का प्लान तय होगा हमारा। सो देखिए अभी जाम लगा हुआ है, मैप हमारा जाम दिखा रहा है, ये देखिए पूरा जाम दिखा रहा है, कैसे आगे तो पूरा रेड हुआ पड़ा है। तो अभी यहाँ से निकाल लेते हैं गाड़ी को जाम से अपनी। टिकट है गाइस भवाली की, बाजार है तो थोड़ी थोड़ी तंग गलियाँ हैं, पर हाँ दो गाड़ी आराम से निकल जाती हैं यहाँ से, तो थोड़ी सी नहीं, हम उधर से आए थे जा दूसरे से रहे, तो यहाँ इस तरह की दुकान है गाइस। ये शॉप्स हैं, लोकल मार्केट है, ये शूज़ की शॉप है, ये सैलून है, और यहाँ ये फुटवियर की शॉप हो गई, फिर कॉस्मेटिक्स, ये मार्केट हो गई बड़ी। हाँ ऊँची नीची हैं शॉप्स, कोई बिल्कुल नीचे कोई बिल्कुल टॉप पे। ये देखिए गाइस क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है भवाली में, वो ऊपर होटल है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी वाली, आप देख सकते हो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल भाई साहब।
ये है गाइस मुक्तेश्वर रामगढ़, ऐसे रामगढ़ ऐसे मुड़नारी आगे से ऐसे दिखा रखा था इसने। ये पार्क है यहाँ भिवाली का, व्यू देखो गाइस क्या गजब आ रहा है ऊपर का। मकान कैसे बने हुए हैं, एक की छत पे एक दूसरा मकान, दूसरे की छत पे तीसरा। गाइस पहाड़ों में नाम बड़े मस्त मस्त रखते हैं, घोड़ा खाल, बुआ खाल। अभी जब हमारे तो रास्ते में पड़ा था बुआ खाल, अब यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से पड़ा था घोड़ा खाल और पीछे था सुआ खाल, तो नाम बड़े गजब गजब है और याद हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखो गाइस क्या नजारे हैं भाई साहब, इस घर की छत देखो पूरी ग्रीनरी से ढकी हुई है भाई साहब, क्या मस्त बन रहा है। हाँ पहाड़ का टॉप, इस पहाड़ का टॉप है, सामने और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऐसे घूमते घूमते चढ़ जाते हैं उनपे और फिर उस दूसरी तरफ से उतरेंगे। ये रोड कट रही है, टूट गई रोड गाइस। ये देखो गाइस ऊपर का क्या व्यू है, रास्ते और बिल्कुल वादियों के बीच से घर बने हुए हैं। ये यहाँ चाय पीनी हो किसी को, जोशी टी स्टॉल, चाय पियो आगे चलो। ये देखो गाइस ऊपर तक मकान है इस पहाड़ पे, भाई साहब कट क्या गजब गजब है एकदम। यहाँ से व्यू पॉइंट समझो यहाँ का, क्योंकि जहाँ जगह समझो वहाँ पे व्यू पॉइंट की वजह से जगह दी होती है ताकि आप गाड़ी रोक के आनंद ले सको। अल्मोड़ा 65 गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर याद आ रहा मुझे, यहाँ था मुक्तेश्वर, पड़गढ़ मुक्तेश्वर रहूंगा आज। स्विफ्ट वाला बस लेके चल देते हैं गाइस, पहाड़ में चलाने का पता रहता नहीं, अपनी लेन नहीं क्रॉस करनी चाहिए पहाड़ में, दूसरे के सामने में हमारी लाइन में ला रहा था। इस व्यू देखो नीचे का शहर का व्यू एकदम बहुत ही खूबसूरत, यहाँ के और ठंडी हवा आ गई ना, यहाँ के गाइस बहुत ठंडी हवा आई है। हम टॉप पे आ चुके हैं इस टाइम पहाड़ के और अभी और टॉप पे जाएंगे। हाँ रोक लो, यहाँ व्यू पॉइंट है गाइस, यहाँ रोक के आपको दिखाते हैं। अभी हमने यहाँ पे व्यू पॉइंट आया तो रोक ली, अभी आपको दिखाएंगे नीचे का नजारा। यहाँ भुट्टे भी ले रहे हैं, भुट्टा भी खा लेंगे इस बार से। मंदिर है, रुको गाइस मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, फिर रोहन भैया बताएंगे आपको कहाँ पे क्या है। मंदिर है अभी लड़ी चल रही है। और देखो गाइस अभी हमें पहुंचना है उस जगह पे जहाँ पे वो एक साल के पेड़ लग रहे ना, वहाँ पे पहुंचना है, वहाँ पे पहुंचना है। रोहन भैया हमारे जो है गूगल मैप बने हुए इस टाइम, ये हमें मैप बताएंगे, रास्ता बता रहे हैं और गाइस सही भी बताता है। कई कट ऐसे थे हमने ध्यान नहीं दिया, बट इसका ध्यान गूगल मैप पे था तो इसने हमें बताया कि ऐसे मुड़ो ऐसे ऐसे बता रहा है। हाँ जी आने वाले ब्लॉक में आपने देखा था ना, जब हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे थे जब डैडी फोटो खींच रहे थे वहाँ पे उनका वो जो ट्राइपॉड है ना वो ले गया। गाइस मैं फोटो खींचने में रह गया, जो हमारा गिम्बल था वो वहीं छूट गया, मैंने याद नहीं किया, तो हमारा पोपट भी हो गया, नुकसान भी हो गया, पर चलो कोई बात नहीं गाइस। दो ढाई हजार रुपए का गिम्बल था, सो छूट गया हमारा, उससे शूट कर रहे थे हम। अब मैंने क्योंकि जब वीडियो बनाए तो अच्छा रहता है, और देखो हवा क्या मस्त आई गाइस, जब भी अगर वीडियो बनाए तो उससे मस्त बनती थी, तो ये कहने लगे फोटो खींचे, मैंने उसे निकाल के पाइप पे टांग दिया, भाई साहब बोला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज हवा चल रही है ठंडी। तो गाइस वहां पे टांग दिया वो वहीं छूट गया हमारा। Just all the time I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell Guys देखिए कितना मस्त व्यू है, ये उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट से है। गाइस ये जो घास से निकली है आपको, हाँ इनसे कहीं बहुत ऊंचे चढ़ोगे ना, हाँ इनसे फिसलते हैं, फिसलते हैं जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं, हाँ सही कह रहे हो, जब ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं। गाइस नीचे का व्यू देखो बहुत ही मस्त, हवा बहुत प्यारी आ रही है, आपको आवाज भी आ रही होगी माइक में, और ये देखो टिकटॉक, टिकटॉक तो बंद होगी, ये कहो इंस्टाग्राम बनाते हैं। गाइस अभी मैं यहाँ बनाऊंगा रोहन की इंस्टाग्राम रील्स और आप व्यू देखो, तब तक क्या मस्त व्यू है गाइस।
अब झोगा रोहन भैया का मुर्गा डांस करके दिखाओ, चिकन लेग पीस डांस, सॉरी। देखो पीछे का व्यू बहुत मस्त आ रहा है गाइज, गजब। ये है लेट लेट के चिकन लेग पीस। गाइज ये है फ्रॉग जंप डांस, करके दिखाओ फ्रॉग जंप, ये फ्रॉग जंप। गाइज अभी मल्ला रामगढ़ है यहाँ से 10 किलोमीटर और नथुआ खान है 27, मुक्तेश्वर है 36 किलोमीटर। सो अब यहाँ से आ गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे और ये देखो घाटियाँ नीचे, मज़ा आ रहा है गाइज पूरा। अब आगे के व्यू दिखाएंगे आपको, मस्त मस्त व्यू आने वाले हैं और पीछे जो गए थे वो भी मस्त है, लेकिन उससे भी मस्त व्यू आने वाले हैं आगे। गाइज देखो पेड़ों का ऊपर का नज़ारा क्या खूबसूरत, भाई साहब गजब अल्टीमेट। गाइज मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा पर क्या करूं, बोले बिन रुका नहीं जा रहा। कमेंट करके बता दिए ज्यादा बोल, कमेंट करके बता देना ज्यादा बोल रहा हूं तो। और यहां पे हमारा वाईफाई भी काम नहीं करेगा, ये देखो नो वाईफाई। इस स्थान की लंबाई 3 किलोमीटर लाइन, पता नहीं क्या लिख रहा था मैं, पढ़ नहीं पाया गाइज, आपको वीडियो शूट करने के चक्कर में रह गया मैं। गाइज देखो क्या खूबसूरत नजारा है, अल्मोड़ा 65 किलोमीटर, शांति कितनी, मुक्तेश्वर चंद, हाँ शांति। गाइज आप एक काम करो, मैं एक दो मिनट शांत रहूंगा, बाहर का आनंद लो बिल्कुल शांति का आप। सामने की सुंदरता देखो आप, गजब एकदम एक नंबर। अब आपको आगे का दिखाऊंगा, यहाँ से तो मतलब अब और ऊंचाई पे आ गए हम तो हवा भी ठंडी हो गई है और मज़ा पूरा आ रहा है गाइस। ये देखो गाइस क्या व्यू है, गजब एक नंबर का अल्टीमेट व्यू गाइस। पहाड़ों ने तो मेरी लुक ही चेंज कर दी, मैं बाल ऐसे बनता था, हवा से लग लग के इधर को अपने आप सेट हो गए, तो कोशिश करेंगे अब इनको ऐसे ही रहने दो जैसे हैं अच्छे हैं, क्योंकि ये नेचर की देन है गाइस। देखो बाहर सर करता हूँ ना ऐसे, गजब हवा लग रही है एकदम एक नंबर की, और ये लुक आ गई अपने आप ही, तो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है बस। अच्छे हैं, बुरे हैं, मेरे बाल मेरे, मेरे। जैसे भी हैं तो मेरी। गाइस व्यू देखो सामने का क्या मस्त व्यू है, ये आ गया गाइस गागर। गाइस ये व्यू देखो, ये है कुमाऊं रूप रिजोर्ट गागर रामगढ़ नैनीताल। ये देखिए गाइस नीचे का क्या खूबसूरत व्यू है, अब पहाड़ियों पे ऊपर खेती हो रही है, वहां सिड्डीनुमा खेत है गाइस देखो, और वो रास्ता है शायद पैदल के लिए या बाइक वाइक के लिए नीचे। और नाथवान बीच ये कैफे है यहाँ का, ये देखो गाइस सामने का व्यू गजब। ठंडा मौसम है, मन कर रहा है चारपाई बिछाओ और सो जाओ एक दो घंटा, बस के कंडक्टर वाली फीलिंग ले रहा हूँ, चलो 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 रोके रोके। देखो गाइस बहुत नीचे ढलान है और मोड़ एकदम यू शेप में पूरा, भाई साहब बेटे चलो 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 रोके रोके। गाइस सुंदरता गजब है, नैनीताल फेल है इसके सामने तो भाई साहब ने। गाइस अब पहुंच चुके हैं हम रामगढ़ और अभी यहाँ ढूंढते हैं रूम रुकने के लिए, क्योंकि रूम ढूंढना पड़ेगा। सो अभी यहाँ जाएंगे ऊपर, ऊपर पता करते हैं क्योंकि काफ़ी होटल वगैरह हैं, तो अभी मैं और रोहन और पापा जा रहे हैं, गाड़ी अपनी अब यहीं पार्क करके जा रहे हैं, तो पहले देख करते हैं होटल वगैरह। गाइस होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब, हम आपकी साथ लोग शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।